अफगानिस्तान में तालिबान के आने से खाड़ी देशों पर कई दूसरे खतरे भी मंडराने लगे हैं। आईएस का खतरा भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जो अभी के लिए अफगानिस्तान में कम जरूरी है, लेकिन कब सक्रिय हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी वजह से अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक अहम मीटिंग बुलाई। उन्होंने अपने तमाम अधिकारियों संग इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत की। जानकारी मिली है कि बाइडेन को बैठक के दौरान अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया गया। जोर देकर कहा गया कि आईएस हमेशा से ही अमेरिका पर हमला करना चाहता है। अफगानिस्तान में भी वो कई सालों से सक्रिय है। अब डर इस बात का है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन सकती है। इस वजह से आईएस को फिर खुद को मजबूत करने का मौका मिल सकता है, और अगर आईएस मजबूत हुआ तो ये अमेरिका के लिए खतरे की घंटी साबित होगी। इन सब चिंताओं को दूर करने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये अहम बैठक बुलाई थी। इस बैठक में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी मौजूद थी। उनके साथ डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन भी शामिल थे। बैठक के दौरान आईएस खतरे पर तो बात की ही गई, इस बात पर भी चर्चा की गई कि अमेरिका किस तरह से कार्रवाई करेगा, भविष्य में आने वाले इस संकट से कैसे निपटा जाएगा, इस पर भी सुझाव मांगे गए। अब अमेरिका की तरफ से ये बैठक उस समय बुलाई गई जब पूरी दुनिया में अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर उसकी आलोचना की जा रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने बिना सोचे समझे अपनी सेना को वापस बुलाने का फरमान सुना दिया, जिस वजह से तालिबान को फिर मजबूत होने का मौका मिल गया और उसने इस देश पर फिर अपना कब्जा जमा लिया। अभी के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने उस फैसले पर कई मौकों पर सफाई पेश की। कहा गया कि अफगानिस्तान को अपनी जंग खुद लड़नी होगी। ये भी कह दिया गया कि अफगानी सेना ने तालिबान के आगे सरेंडर कर दिया। तो वहीं अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि हम जुलाई से अब तक 18,000 से अधिक लोगों और लगभग 13,000 लोगों को जो काबुल के थे उन्हें निकाल चुके हैं, जब से 14 अगस्त को हमारी सैन्य एयरलिफ्ट शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि आज अकेले 5,000 से ज्यादा अमेरिकी लोगों को वहां से निकाला गया है। काबुल में 6,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। बाइडेन ने यह भी कहा कि हम किसी भी हमले का ताकत से जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि हमने काबुल एयरपोर्ट को सुरक्षित किया है, जिससे न केवल सैन्य उड़ाने कि अन्य देशों के नागरिक और संकट में फंसे अफगानियों को बाहर निकालने के लिए गैर सरकारी संगठन फिर से उड़ानें शुरू करने के लिए सक्षम हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।